लोकसभा चुनाव के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान को लेकर सुनवाई हुई। विपक्ष द्वारा दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस याचिका को टीडीपी और कांग्रेस सहित 31 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। इन दलों की मांग थी कि 50% वीवीपैट पर्चियों की ईवीएम से मिलान का आदेश चुनाव आयोग को दिया जाए। सुनवाई के लिए चंद्रबाबू नायडू, डीजी राजा, संजय सिंह और फारूक अब्दुल्ला अदालत में मौजूद हैं। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामलों में क्लीन चिट दे दी है। इस तरह उन्हें कुल अब तक 8 मामलों में क्लीन चिट मिल चुकी है। दरअसल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में वोट डालने के बाद रोड शो किया, लेकिन आयोग का मानना है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा करने से आचार संहिता का न तो उल्लंघन और न ही चुनावी कानून का उल्लंघन हुआ है। सूत्रों ने बताया कि आयोग ने मोदी को उनके 9 अप्रैल को कर्नाटक के चित्रदुर्ग के दिए भाषण के मामले में भी क्लीन चिट दे दी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अम्बेडकर नगर में एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं संबोधित करते हुए कहा कि सपा बसपा का रिश्ता भ्रष्टाचार और अराजकता का है। ये 23 मई के बाद एक दूसरे को कोसते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि इस रिश्ते में सबसे ज्यादा शिवपाल यादव परेशान है। वे सोच रहे हैं कि जब बहन ही नहीं है तो बुआ कैसे हो गई। योगी ने कहा कि सपा और बसपा की सरकारों में भ्रष्टाचार, अराजकता और गुंडागर्दी का बोलबाला रहा है। प्रदेश का विकास रुक गया था, पर पिछले 2 में भाजपा सरकार में प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। प्रदेश के कोने कोने में विकास हुआ है। सपा बसपा की सरकारों में जाति देखकर बिजली दी जाती थी, पर हमने बिना भेदभाव के काम किया है। लोकसभा चुनाव के 6वें चरण की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की जनसभा के बाद बीजेपी ने भी सियासी गुणागणित, जाति और सामाजिक आधार पर मतदाताओं को साधने के लिए हर संभव कोशिश शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल प्रयागराज में एक बड़े व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। योगी सरकार के मंत्री सतीश महाना ने दावा करते हुए कहा कि प्रयागराज की दोनों सीटों के प्रत्याशियों के समर्थन में आज प्रयागराज के लगभग सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारी और व्यापारी शामिल होंगे। वही 9 मई को प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी चुनावी जनसभा होगी, जिसके लिए परेड ग्राउंड को चुना गया। खबर हाथरस से है, जहां थाना असायन क्षेत्र के इंडस्ट्री एरिया में पेड़ पर फंदे से युवक और युवती का शव लटकता हुआ मिला, जिससे हड़कंप मच गया। वही दोनों को शव पेड़ से लटकता देख क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दें कि पिछले 2 से गायब थे दोनों प्रेमी युगल, चर्चा की पुलिस में सुरक्षा की गुहार लगाई। सहारनपुर में क्राइम ब्रांच और नागल पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 5 बदमाशों को धर दबोचा है। वहीं पुलिस की फायरिंग में नितिन उर्फ बुल्ला नाम के 25,000 इनामी एक बदमाश को मुठभेड़ में घायल किया गया है। आपको बता दें कि ट्रेन में लूटपाट के इरादे से ये बदमाश गए हुए थे। देहरादून एक्सप्रेस में रात के वक्त जो लूट हुई थी, उस समय भी ये आरोपी उसमें शामिल थे। गिरोह के 5 सदस्यों को नागला थाना के रेलवे स्टेशन पर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। प्रेसवार्ता के दौरान सहारनपुर SSP दिनेश कुमार पी ने बताया कि कुछ समय पूर्व चेन्नई एक्सप्रेस में इन सभी बदमाशों ने ट्रेन के 2 कोच S2 और S3 में लूट की थी, जिसमें उन्होंने महिलाओं से गहने, पैसे और अन्य सामान की भी लूट की। बदायूं मुरादाबाद हाईवे पर करगांव के पास भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसा इतना भीषण था कि पुलिसकर्मियों को बचने का मौका नहीं मिला। आपको बता दें कि बदायूं डिपे से रोडवेज बस और बिस्सौली कोतवाली की पुलिस जीप में मोटरसाइकिल बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ, जिसमें देखते देखते चीख पुकार मच गई, जिसमें पुलिस की गाड़ी में ड्राइवर सुशील कुमार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। 4 गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया और घायलों को ले जाते समय सत्यदेव SI की और मुलजिम कालीचरण की रास्ते में ही मौत हो गई। दिल्ली से सटे नोएडा के DMRC की बड़ी लापरवाही एक बार फिर देखने को मिली है। नोएडा सेक्टर 15 और सेक्टर 16 स्टेशन के ट्रैक के बीच एक युवक चलता हुआ दिखाई दिया। कुछ महीनों पहले भी इसी ट्रैक पर एक महिला भी दिन दहाड़े दौड़ती हुई नजर आई थी, तब भी मेट्रो प्रशासन को इसकी कानोकान जानकारी नहीं और वाकई में भी कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी आखिर ये युवक मेट्रो ट्रैक पर कैसे उतर आया? तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि युवक कैसे सरपट चले जा रहा है और इसी बीच मेट्रो भी आ रही है। हालांकि अभी जानकारी नहीं हो पाई है कि युवक कौन है और ट्रैक के पास किस इरादे से उतरा था। मुरादाबाद के थाना बलशही क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब जमीनी विवाद के चलते एक पक्ष के 2 लोगों ने 2 सगे भाइयों को दिन दहाड़े गोली मार दी। वहीं दोनों घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। आपको बता दें कि असलादपुरा में गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया। दरअसल यहां पर रहने वाले 2 परिवारों के बीच एक जगह को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके विवाद इतना गहरा हो गया कि कब्जे की जंग में 2 सगे भाइयों को गोली मार दी गई।
पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपी पक्ष के राजू सहित कई लोगों ने उसके भाइयों को घेर कर गोली मारी है। उसके बाद उसका भाई जाफर और जीनर को गोली लगी है। इस मामले में जानकारी देते हुए पीओ कटघर सुदेश गुप्ता ने बताया कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। बागपत में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने का मामला सामने आया है, जहां सिंहवाली अहीर थाना इलाके के लोहारा गांव में एक कमरे में महिला का शव फांसी पर लटका हुआ मिला, जबकि परिवार के लोग मौके से फरार हो गए और महिला के मायके वालों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जाँच निर्देश दिए। अलीगढ़ पंजाब नेशनल बैंक से पैसे निकालकर जा रही बीएसएनएल की महिला कर्मचारी से बाइक सवार दो बदमाशों ने लूट, वहीं तमंचे के बल पर लूटे 1,00,000 रुपए लेकर बदमाश रफू चक्कर हो गया। आपको बता दें कि बाइक सवार बदमाशों ने महिला से रुपयों से भरा बैग लूटा और उसके बाद उसे गिराकर भागे, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच जुट गई है। चौरासी थाना क्षेत्र के लौरंगाबाद की ये पूरी घटना। हरदोई में घर के बाहर सो रहे एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब परिजनों ने देखा तो कोहराम मच गया। वही सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एसपी समेत अन्य अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया। आपको बता दें कि अज्ञात हथियारों के द्वारा हत्या की सनसनी वारदात को शहर कोतवाली के नरैया में अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बरेली के थाना बारादरी पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने फाइल एक्लेव छापा मारकर आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टेबाजों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों में 16 मोबाइल, 1 रजिस्टर और 1 नकदी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने 4 सटोरियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आगे कार्रवाई शुरू कर दी। खबर भदोही से है, जहां छत्तीसगढ़ के बस्तर से गांजा लाकर सप्लाई करने वाले गिरोह के 3 साथी तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वही तस्करों के पास से 36 किलो गांजा बरामद हुआ है। गिरफ्तार गांजा तस्कर भदोही से जिनको गांजा सप्लाई करते थे, पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। आपको बता दें कि भदोही की क्राइम ब्रांच और औराई कोतवाली पुलिस ने 3 तस्करों को औराई के कटका रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर के काला आम चौराहे के निकट जालान पेट्रोल पंप पर डीएम ने छापा मारा। डीएम ने पेट्रोल पंप पर अनियमितताओं के आधार पर पेट्रोल पंप सील करवा दिया। डीएम ने अपने सामने पंप से पेट्रोल के 6 नमूने भी भरवाए। डीएम अभय सिंह ने बताया कि एक्वफिल मशीन सील नहीं थी, मशीन में गड़बड़ी भी पाई गई है। पंप पर पेट्रोल का स्टॉक भी चेक किया गया है। इसके अलावा डीएम ने घटतौली की पड़ताल भी की। वहीं जैसे ही डीएम ने छापेमारी की जानकारी, पहले तो मापतौल और सप्लाई विभाग के अफसर भी मौके पर पहुंच गए। डीएम ने मापतौल अधिकारी को भी खूब पड़ताल लगाई है। इतना ही नहीं, गुस्साए डीएम ने मापतौल अधिकारी के सस्पेंशन की संस्तुति भी शासन को दी। रमजान के महीने का आगाज होते ही मस्जिदों में रौनक नजर आने लगी है। लोगों ने चांद देखने के बाद तरावियों की नमाज अदा करनी शुरू कर दी। इस महीने में सवाब कमाने के लिए मस्जिदों की तरफ अपना रुख कर लिया है। तरावियों की नमाज रमजान के महीने का बेहद खास अंग है। इसमें कुरान पढ़ा और सुना जाता है, जिसका बहुत ही बड़ा सवाब मिलता है। ये पूरे 1 महीने तक जारी रहेगा। इबादत के इस महीने में कोई भी सवाब पाने से पीछे नहीं रहना चाहता। रामपुर के जिला अधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय के साथ ही गांव में वितरित किए जा रहे राशन का स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं विद्यालय में पंजीकरण के सापेक्ष बच्चों की उपस्थिति कम पाई गई। राशन वितरण स्थल पर जिलाधिकारी के पहुंचते ही राशन वितरण सूची से नाम काटने के कारण परेशान ग्रामीणों ने अपनी समस्या बताई। जिलाधिकारी ने तत्काल जिला पूर्ति अधिकारी और तहसीलदार को मौके पर तलब किया और वितरण की स्थिति, स्टॉक का सत्यापन सहित वितरण सूची को पुनः जाँच करने के निर्देश दिए। खबर अमेठी जिले से है, जहां मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीनों को जमा कराने जा रहे कर्मचारियों की भरी बस हादसे का शिकार हो गई। इसमें एक की मौत, दर्जन भर लोग घायल हो गए। जानकारी होने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। खबर बिजनौर से है, जहां थाना नगीना के काजीसरा इलाके में उस वक्त अफरातफरी मच गई जब एक लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। वहीं आग से लाखों रुपए की लकड़ी जलकर खाक हो गई है। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग की आशंका जताई जा रही है। वहीं घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगरा के सदर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में पुजारी मंदिर में लापता हो गया। वहीं परिजनों ने पुजारी के अपहरण होने की इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुजारी के लापता होने से माता की प्रतिमा से आंसू निकल रहे हैं। मंदिर में खून के निशाने और पुजारी के जूते कपड़े भी पड़े मिले। खबर गाजीपुर से है, जहां भावरकोल थाना क्षेत्र के सियाड़ी गांव में हरिजन बस्ती में अचानक भीषण आग लग गई।
आग कैसे लगी अभी तक पता नहीं चल पाया, पर हाईटेंशन तार की वजह से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। आग से तीन परिवारों की झोपड़ियां जलकर खाक हो गई, वहीं एक महिला की आग में झुलसने से मौत भी हो गई। वहीं एसडीएम ने बताया कि हमें सूचना मिली है कि सियाड़ी के पांच परिवार आग से प्रभावित और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। बागपत जिले में आए दिन आग का तांडव देखने को मिल रहा है, कभी किसानों के गन्ने की फसल तो कभी गेहूं की फसल जलकर तबाह हो जाती है। मैं एक बार फिर जिले के खेकड़ा तहसील परिसर के कचरे और झाड़ियों में अचानक आग लग गई, जिसके चलते तहसील में अफरा तफरी का माहौल फैला रहा। लेकिन गनीमत रही कि तहसील कार्यालय तक आग पहुंचने से पहले ही मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों का पता करने में जुटी है।